गोवा की 40 और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक गोवा में 34% वोटिंग हो चुकी है। नॉर्थ गोवा में 35% और साउथ गोवा में 32% वोट डाले जा चुके हैं। पंजाब में सुबह 10:30 बजे 12% वोटिंग हुई थी। पंजाब के बरनाला में सुबह 9 बजे तक 5% वोटिंग हो चुकी है। वहीं फिरोजपुर में 5% और पठानकोट में 9% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि लांबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की जमानत जब्त करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आप पर कहा कि ये तीसरे नंबर पर रहेंगे। गोवा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जबकि पंजाब में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई। इन दोनों ही राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पंजाब में जहां शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार को कांग्रेस और आप से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं गोवा में बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों ही पार्टियां चुनावों में जीत का दावा कर रहे हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी लाइन में लगकर वोट डालने पहुंचे। पणजी में वोट डालने के बाद पर्रिकर ने कहा कि इस बार पिछली बार से भी अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पर्सेकर ने भी सुबह पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला। अमृतसर नॉर्थ विधानसभा की बूथ नंबर 127 पर करीब 1 घंटा पोलिंग रुकी रही, क्योंकि मशीन खराब थी। बार बार ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन ठीक नहीं हुई। आखिरकार 1 घंटे के बाद मशीन ठीक हुई, तब जाकर लोगों ने वोट डाले। सुबह 8 बजे से ही लंबी लाइनें वोट डालने के लिए इस बूथ पर लग गई थी। तो पंजाब और गोवा में एक चरण में ही मतदान होना है और चुनाव परिणाम 11 मार्च को आएंगे। दोनों ही राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।